हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। पिछली काफ़ी वीडियोस में बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर आप मोजले लॉ के ऊपर वीडियो बनाएं और हमें ये बताएं कि मोजले लॉ से हम कैसे न्यूक्लियर चार्ज का डिटरमाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने सोचा कि आज इसी के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और आपके सामने पेश किया जाए। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोजले लॉ के बारे में और जानेंगे कि मोजले लॉ को यूज़ करके हम न्यूक्लियर चार्ज को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप सब ने केमिस्ट्री पढ़ी है, उसमें आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज़ करते हैं। आप जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन किसने की थी, वो की थी मोजले ने, जो अभी तक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मोजले ने सभी एलिमेंट्स को उस पीरियोडिक टेबल में उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से पोजिशन किया था। स्टूडेंट्स, मोजले ने ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था, ये इतना आसान नहीं था बनाना, उसने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इन 1913 में हेनरी मोजले ने यह डिस्कवर किया था कि किसी भी न्यूक्लियस में कितना चार्ज प्रेजेंट है, ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं उस न्यूक्लियस के एक्सरे स्पेक्ट्रम को स्टडी करके। हेनरी मोजले ने कम से कम 45 एलिमेंट्स के एक्सरे स्पेक्ट्रम की डिटेल स्टडी की और उसने ये डिस्कवर किया कि हर एलिमेंट का जो एक्सरे स्पेक्ट्रम होता है वो दूसरे एलिमेंट से मिलता जुलता है। कहने का मतलब ये है कि उनमें आपस में काफ़ी सिमिलैरिटीज थी, बट सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट थी कि जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एक्सरे स्पेक्ट्रम था, उनकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस की जो फ्रिक्वेंसी थी वो दूसरे एलिमेंट की स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रिक्वेंसी से डिफरेंट थी। अगर एक एलिमेंट की स्पेक्ट्रल लाइंस की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है दूसरे एलिमेंट की स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी से, मींस वेवलेंथ भी उनके डिफरेंट होगी। तो मींस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का डिफरेंस आ रहा था स्पेक्ट्रल लाइंस की फ्रॉम गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अनदर। तो स्टूडेंट्स, मोजले ने क्या किया, मोजले ने जब ग्राफ प्लॉट किया किसी एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन, सपोज हम सपोज के अल्फा लाइन जो थी हमारे पास किसी भी एलिमेंट के एक्सरे स्पेक्ट्रम में आ रही थी, उसके स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जब उसने ग्राफ प्लॉट किया एटॉमिक नंबर के साथ, तो उसने देखा कि वो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा था। स्टूडेंट्स, एक्सरे स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम और कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम। इनकी पूरी डिटेल्स के लिए मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए तो आपको पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम क्या होता है और कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम क्या होता है। फ्रेंड्स, आपको नीचे ग्राफ में मॉलिब्डेनम का एक एक्सरे स्पेक्ट्रम नजर आ रहा होगा, इसमें आपको डिफरेंट लाइंस नजर आ रही होंगी, के अल्फा, के बीटा और साथ में कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम भी नजर आ रहा होगा। तो मोस्टली सभी एलिमेंट्स का एक्सरे स्पेक्ट्रम ऐसा होता है, बट जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम में आपको पीक्स नजर आ रही है के अल्फा और के बीटा, उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो दूसरे एलिमेंट्स की जो पीक्स होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी से डिफरेंट होती हैं। तो स्टूडेंट्स, मोजले ने क्या किया, जब उसने स्क्वायर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट किया एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन का एटॉमिक नंबर के साथ, मान लो के अल्फा लाइन हम ले चूज कर लेते हैं, काफी सारी लाइंस होते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम में, हम के अल्फा लाइन को कंसिडर कर रहे हैं, तो वो जो ग्राफ आएगा हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन आया। तो ये है मोजले लॉ। मोजले लॉ क्या कहता है कि जो स्क्वायर रूट होता है फ्रीक्वेंसी का किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के। तो स्टूडेंट, यही है मोजले लॉ। अगर हम एल अल्फा लाइन के लिए भी स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करेंगे एटॉमिक नंबर के लिए, तो वो भी स्ट्रेट लाइन आएगा। तो यही है स्टूडेंट मोजले लॉ। मोजले लॉ की स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एमिटिंग द लाइन। मीन्स कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन होगी, अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम में कोई स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है, तो उसकी स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के। तो यह स्टूडेंट मोजले लॉ, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर जेड ऑफ द एलिमेंट एमिटिंग दैट लाइन। तो यहाँ पर माइनस बी आएगा, तो जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन आएंगे तो यहाँ पर ए लगेगा। स्टूडेंट्स, ए और बी यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं। जो ए और बी की वैल्यूज होती हैं वो डिपेंड करता है कि हम स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी चूज की है। अगर हम के अल्फा लाइन चूज करेंगे तो ए और बी की वैल्यू डिफरेंट होगी, अगर हम के बीटा लाइन चूज करेंगे तो ए और बी की वैल्यू डिफरेंट होगी। इसी तरह से अगर हम एल सीरीज की कोई लाइन लेते हैं, एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, तो ए और बी की वैल्यू डिफरेंट होगी। अगर हम एम सीरीज की कोई लाइन लेते हैं तो उसके लिए भी ए और बी की वैल्यूज डिफरेंट होगी। तो स्टूडेंट, ये है मोजले लॉ की स्टेटमेंट और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म। अब हम इस मैथमेटिकल फॉर्म को यूज करके देखेंगे कि हम इस मैथमेटिकल फॉर्म को यूज करके कैसे न्यूक्लियर चार्ज को डिटरमाइन कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हम मोजले लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म का यूज करके किसी भी न्यूक्लियर में कितना चार्ज प्रेजेंट है उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मोजले लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म, रूट न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, जो ए और बी की वैल्यूज होती हैं वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन के ऊपर कि हम कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन चूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर के अल्फा लाइन को कंसिडर करके चलते हैं। तो के अल्फा लाइन के लिए ए की वैल्यू होती है 3/4 इंटू आर इंटू सी। आर होता है रिडबर्ग कांस्टेंट और सी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी फिक्स होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू भी फिक्स होती है। और एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पाया गया कि के अल्फा लाइन के लिए जो बी की वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो ए की वैल्यू हमें पता चल गई 3/4 आर सी और बी की वैल्यू होती है 1, वो भी हमें पता चल गई। के अल्फा लाइन की बात हो रही है स्टूडेंट्स यहाँ पर। अगर हम कोई और लाइन चूज करेंगे तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू डिफरेंट हो जाएंगी। हम यहाँ सिर्फ के अल्फा लाइन की बात कर रहे हैं। तो ये आगे हमारे सेकंड और थर्ड इक्वेशन यूजिंग 2 and 3 in 1। ए और बी की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है रूट न्यू इक्वल टू ए की वैल्यू के अल्फा लाइन के लिए होती है 3/4 इंटू आर सी और जेड ऐसे ही रहेगा, अटोमिक नंबर है ये उस एलिमेंट का जिसने के अल्फा लाइन एमिट की है, और बी की वैल्यू होती है के अल्फा लाइन के लिए 1। ये देखिए 3/4 जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/4, क्योंकि अगर आप 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो 3/4 आएगा। तो 3/4 को हमने स्प्लिट करके लिख दिया 1 - 1/4। तो आर सी और जेड माइनस 1 हमने आगे लिख दिया। 1 को हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर अपॉन, इसको हम ऐसे यहां नहीं स्क्वायर लिखने की जरूरत है, 1 को हमने लिख दिया 1/1 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, ये इक्वेशन जो आपके पास आई है रूट न्यू इज इक्वल टू आर सी जेड माइनस 1 ब्रैकेट स्टार्ट 1/1 स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स ये इक्वेशन हमें देती है के अल्फा लाइन की जो स्पेक्ट्रल लाइन आती है किसी भी एलिमेंट के एक्सरे स्पेक्ट्रम में उसकी इक्वेशन हमें मिल रही है। स्टूडेंट्स, जब हमने एक्सरे स्पेक्ट्रम को स्टडी किया था और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा पिछली वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि के अल्फा लाइन कब एमिट होती है, जब कोई बाहर का एक इलेक्ट्रॉन के शेल के किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है तो वैकेंसी को फिल करने के लिए एल शेल का अगर कोई इलेक्ट्रॉन उस के शेल की वैकेंसी को फिल करने आएगा तो एक फोटोन एमिट होगा, वो फोटोन हमें देगा के अल्फा लाइन। तो स्टूडेंट्स, एल शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है 2 और के शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है 1। तो स्टूडेंट्स, ये आपको बता रहा है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऐसी शेल से आएगा जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और उस शेल में जंप करेगा जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो आपको के अल्फा लाइन मिलेगी। और के अल्फा लाइन जो एमिट होगी उसकी जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम की बाकी जो लाइंस होती हैं किसी भी एलिमेंट की, चाहे वो के बीटा लाइन हो, के गामा लाइन हो, एल सीरीज की लाइन हो, एल अल्फा हो, एल बीटा हो, उनकी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, ऐसे ही एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं हर एक स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रिक्वेंसी के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये थी रूट न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया तो रूट न्यू का बन गया न्यू, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट ए स्क्वायर और हमारे पास रूट न्यू की वैल्यू होती है सी अपॉन लैम्डा। और हम स्टूडेंट्स के अल्फा लाइन की जो वेवलेंथ है वो हमें पता होगी। अगर हम के अल्फा लाइन की वेवलेंथ पता है हमें क्योंकि हम यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में पुट करके, फ्रिक्वेंसी में पता हो तो हम इस ग्राफ के थ्रू जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर हम जेड की वैल्यू निकाल लें, जेड की वैल्यू अगर हमें पता हो किसी भी एलिमेंट की, तो स्टूडेंट आप जानते हैं किसी भी न्यूक्लियस में जो इफेक्टिव चार्ज होता है वो होता है जेड इंटू ई। अगर हमें जेड पता हो उसको ई से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ अगर हम जेड निकाल लें और उसको ई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू निकल आएगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हम मोजले लॉ को यूज करके किसी भी न्यूक्लियस पर कितना चार्ज प्रेजेंट है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।